कितने पैसे लोगे इन सारे परिंदों के? 1000 रुपया बाबूजी। जिस साधु तुम्हारा सफर बुलंदी की तरफ शुरू हो गया, उसी तरह आज से मेरा उठने वाला हर कदम बुलंदी की तरफ उठेगा। जी फरमाइए, आपने किससे मिलना है? जमशेद साहब से मिलना मुझे। जी वो तो अपनी फैमिली के साथ पहाड़ी मुकाम पर गए हैं। ठीक। किस्मत का मैं सितारा हूँ, मेरे हाथों की रेखा है तेरी, मैं सितारा हूँ। रह सकता नहीं मैं जुदा तुझसे, तू नदिया है मैं किनारा हूँ। तेरा चेहरा देखूं मैं आँखों की दीवाना है मेरी मोहब्बत।
मंजिल एक है दोनों की और एक पगडंडी है। नफरत बसती है सजना, प्यार बुलंदी है। मेरा इश्क आना है, मेरा बरानी है, मेरा इश्क दीवाना है, मेरी मोहब्बत हेलो। हाँ जमशेद, मैं जब्बार खान बोल रहा हूँ। हेलो जमशेद, हेलो 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 जमशेद, हेलो हेलो हेलो, मैं जब्बार खान बोल रहा हूँ। जमशेद, हेलो हेलो जमशेद, हेलो। क्या बात है जमशेद, किसका फोन था जिसकी वजह से तुम इतना परेशान हो गए? नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं, वो बस हमें जल्दी घर चलना पड़ेगा। चलो आओ। पुलिस थाना सदर के एहलकार मवेशी चोरों के ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। पुलिस काफी अरसे से इस ग्रोह की खुफिया निगरानी कर रही थी और आज इन मुजरिमों पर तैनात पुलिस के खुफिया अधिकारियों की इत्तला पर पुलिस इस ग्रोह को रंगे हाथों गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। टीवी क्यों ऑफ कर दिया तुमने? नफरत है मुझे ऐसी खबरों से, वहशत होने लगती है मुझे डाकुओं का नाम सुनकर। अगर मेरा बस चले तो दुनिया के तमाम डाकुओं को मैं मार डालूं। जो बेगुनाहों और मजलूमों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं और उनकी बरसों की कमाई हुई दौलत को लम्हों में लूट कर ले जाते हैं। नवेदा, अगर कभी तुम्हें ये पता चले कि माजी में मैं भी एक डाकू रह चुका हूं तो क्या तुम मुझे भी मार डालोगे? जमशेद प्लीज ऐसी बात मत करो, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं और मैं ये नहीं चाहती कि मैं तुमसे नफरत करूं। नफरत है मुझे ऐसी खबरों से, वहशत होने लगती है मुझे डाकुओं का नाम सुनकर। अगर मेरा बस चले तो दुनिया के तमाम डाकुओं को मैं मार डालूं। हेलो, मैं जब्बार बोल रहा हूं। एक मिनट में तुम्हारी बात सुनता हूं। हाँ बताओ क्या बात है। देखो दोस्त,
मुझसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे तुम्हारी साबिता मुजरमाना जिंदगी के मुतालिक तुम्हारी बीवी या कानून को अगर कुछ बताना होता तो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। देखो जबार, मैं पिछली जिंदगी भुलाकर अब एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ शहरी की तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक शरीफ और अच्छे शहरी बन चुके हो, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, कल ऑफिस टाइमिंग्स के बाद ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। ठीक है, मैं पहुंच जाऊं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन? हेलो जमशेद, आप कहाँ हैं? इसी वक्त घर आ जाएं। क्यों खैरियत? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? भाई आपके बचपन के दोस्त आए हैं, इसीलिए बुला रही हूँ। दोस्त? कौन दोस्त? क्या नाम है उसका? जब्बार खान। और वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। नवेरा, तुम घबराना नहीं। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। I'm just coming, okay? Okay, okay. खुदा हाफिज। जब्बार भाई, आप तो यूरोप जाकर हमें बिल्कुल भूल ही गए। ना कोई कांटेक्ट, ना कोई फोन। नहीं, ये बात नहीं बहन, बस जाते ही पैसे कमाने के चक्कर में लग गया और आने से पहले सब कुछ गवा कर वापस आ गया। वो कैसे? हाँ, ये एक लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। बस वो ऐसे जमशेद। अरे जबार, तुम? जमशेद, जमशेद, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड भाई, तुमने जबार की वो खातिर मदारत की कि नहीं? अरे भाई, खातिर वातर को छोड़ यार, हमारी बहन ने हमारी इतनी इज्जत की, हमारे लिए बहुत काफी है। कुछ खाने पीने का तो बंदोबस्त करो। जी मैं अभी खाना लगाती हूँ। जब मैंने मिलने के लिए तुम्हें ऑफिस बुलाया था तो तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? जमशेद, ऑफिस में तुम बैठकर बात करते और शायद मैं खड़ा होकर, यहां तुम खड़े हो और मैं बैठकर बात कर रहा हूं। मत भूलो कि ये मेरा घर है। मैं
मैं यहां भी तुम्हें खड़े होकर बात करने पर मजबूर कर सकता हूं। जमशेद, ये मत सोचो कि तुम मुझे कितना मजबूर कर सकते हो, सिर्फ ये सोचो कि मैं तुम्हें कितना मजबूर कर सकता हूं, बस। क्या मतलब? ये मत भूलो मेरे दोस्त कि जिस डकैती के केस में मैंने 5 साल की सजा काटी है, उस जुर्म में तुम भी मेरे साथ बराबर के शरीक हो। लूटी हुई रकम से ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारने का ख्वाब तो हम दोनों का था। मैंने 5 साल जेल के सर्द और गर्म फर्श पर जाकर गुजारे हैं, और तुम अपने बेडरूम के नरम गद्दों पर सोते रहे। मैंने पुलिस को भी उस लूटी हुई रकम के बारे में तुम्हारी खातिर चकमा दिया, झूठ बोला कि फरार होते वक्त वो रकम मैंने जंगल में फेंक दी थी, और पुलिस ने उस रकम को बहुत तलाश किया, लेकिन जाहिर है वो रकम उसे नहीं मिली, इसलिए कि वो रकम तुम्हारे पास थी। जबार, आखिर तुम मुझे चाहते क्या हो? कुछ नहीं मेरे दोस्त, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी एक बीवी थी, उसने भी मुझे जेल में खत भेजा कि मैं खुदकुशी कर रही हूं। जब्बार खान, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, लेकिन तुम जैसे लोग उसे अपना दोस्त समझकर उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए गुनाहों की दलदल में फंस जाते हैं। तुम तो अपनी जुर्म की सजा कैद की सूरत में काट रहे हो, लेकिन मुझे बताओ कि मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मैं तो तुम्हें हमेशा बुरे रास्ते पर चलने से रोकती रही, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब हर जुबान मेरे लिए ताना और हर आंख मेरे लिए नफरत बन चुकी है। मैं लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकती और ना ही ये जिल्लत भरी जिंदगी गुजार सकती। अब मुझे सिर्फ कब्र के अंधेरे में पनाह मिल सकती है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से खत्म कर रही हूँ। मेरा खुदा मुझे माफ कर दे, तुम्हारी बदनसीब बीवी सुबैदा। उसने खुदकुशी कर ली और वो मर गई। वैसे तुम्हारा ये बंगला है बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट। नहीं मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं, घबराओ मत। मुझे तो इस बंगले में अगर कोई छोटी मोटी जगह मिल जाए तो मैं अपनी बाकी की बची खुची जिंदगी वहां गुजार लूंगा, और अगर हो सके तो मुझे कोई मामूली सी नौकरी दे देना, बस मेरे लिए यही काफी है। जबार मेरे दोस्त, नौकरी तो समझो तुम्हें मिल गई, और रहा सवाल रहने का तो तुम यहां हमारे साथ रह सकते हो। थैंक यू जमशेद माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। जमशेद, हाँ मैं 2 मिनट में आता, तुम प्लीज। ओके।
भाई ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जब्बार खान, आज से यहाँ पे सेल्स मैनेजर की हैसियत से काम करेंगे। आई होप आप सारे कोऑपरेट करेंगे। आओ मैं तुम्हारा ऑफिस दिखाऊं। भाई ये तुम्हारा ऑफिस और तुम्हारी सीट, आज से तुम यहाँ सेल्स मैनेजर। कैसे? अच्छा है, बहुत अच्छा। कम से कम जेल की बैरिकों से तो बहुत अच्छा है। मैं मैनेजर से कहूंगा कि तुम्हें सारा काम समझा दे। ओके, थैंक यू जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊं? अरे कैसी बातें करते हो, कैसा एहसान कैसा बदला। बैठो काम करो, मैं चलता हूं। थैंक यू जमशेद, थैंक यू वेरी मच। इस कुर्सी तक तो तुमने मुझे पहुंचा दिया है जमशेद। अब ये देखना कि मैं तुम्हारी कुर्सी तक कैसे पहुंचता हूं। गोली नहीं मारनी है अंकल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखो यार जमशेद, क्या जमाना आ गया। कभी हम असली गोली से नहीं डरते थे, बच्चों की गोली से डरते हैं। जब्बार भाई, इस मजाक में आप ये मत भूल जाइएगा कि हमारे बेटे की कल बर्थडे है। अच्छा कल बर्थडे, तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई बहुत मुबारक हो जमशेद तुम्हें, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या कह रहे हो रशीद, समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब्बार ऐसा कैसे कर सकता है? सर 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 ये देखें सर, पिछले 4 माह में इनकी मिस कमिटमेंट की वजह से हमारी कंपनी को कितना नुकसान पहुंचा है, मार्केट में हमारी साख कितनी मुतासिर हुई है सर। ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ। सर बात करने में देर ना कीजिएगा सर। क्या मतलब? शायद आप नहीं जानते सर, इनके रابطے अब भी जराइम पेशा अफराद के साथ हैं। सर मैंने खुद उन्हें मशकूक अफराद के साथ मिलते जुलते देखा है सर। सर मुझे तो लगता है सर, वो आपके खिलाफ किसी गहरी साजिश में मसरूफ है। ठीक है तुम जाओ। राइट सर, थैंक यू। Thank you.
वैसे तुम्हारा ये बंगला है बहुत खूबसूरत। नहीं मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं, घबराओ मत। मुझे तो इस बंगले में अगर कोई छोटी मोटी जगह मिल जाए तो मैं अपनी बाकी की बची कुछ जिंदगी वहां गुजार लूंगा, और अगर हो सके तो मुझे कोई मामूली सी नौकरी दे देना, बस मेरे लिए यही काफी है। जवाहर मेरे दोस्त, नौकरी तो समझो तुम्हें मिल गई। और रहा सवाल रहने का, तो तुम यहां हमारे साथ रह सकते हो। थैंक यू जमशेद माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊं। हेलो जमशेद, आप भी हद करते हैं, इतनी देर होगी आप अभी तक ऑफिस में हैं? जल्दी आए, अभी अभी शहबाज के लिए गिफ्ट भी खरीदने हैं और वैसे भी मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, आप प्लीज जल्दी आए। सॉरी डार्लिंग, एक जरूरी काम आ गया था, मैं आता हूँ, घर आता हूँ। ओके। ये लो तुम्हारा इनाम, पूरे 10 लाख हैं, गिन लो। कासम, रकम कभी गिनकर नहीं लेता, इसलिए कि मौत के सिवा कोई कासम के साथ धोखा नहीं कर सकता।
हेलो हेलो नमिया बहन, मैं जब्बार बोल रहा हूँ। जो खबर मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ उसे तुम्हें बहुत हौसले से सुनना पड़ेगा। क्या हुआ जब्बार भाई? बहन, काश ये खबर सुनाने के लिए मैं जिंदा न रहता, या फिर ये कयामत हमारे सरों पर ना टूटती। प्लीज जब्बार भाई, मुझे कुछ बताए तो सही, आखिर हुआ क्या है? नमिया बहन, तुम्हारा शोहर और मेरा दोस्त हमेशा के लिए हम दोनों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। क्या? वो दफ्तर से घर आते हुए एक एक्सीडेंट में हलाक हो गया है। करो बहन, हौसला करो, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। बस अब तुम अब नमीरा बहन, नमीरा सलीम, जल्दी से गाड़ी निकालो, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, जल्दी करो। मिसेज नवेरा जमशेद की वसीयत के मुताबिक जब तक शबाज 20 साल का नहीं हो जाता, इसकी तमाम जायदाद की निगरानी के फ़राइज़ मिसेज नवेरा के मुंह बोले भाई और उनके शोहर जमशेद के करीबी दोस्त जब्बार खान सरंजाम देंगे।
आप दोनों ने मुझे अपना समझकर जो फर्ज सौंपा है उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। जमशेद, तुमने तो मुझे मेरे हिस्से की रकम नहीं दी, लेकिन अब मैं अपनी रकम के साथ सूद भी वसूल करूंगा। हमारी कंपनी को गवर्नमेंट ने नए ठेके देकर जिस एतमाद का इजहार किया है, हम उस टारगेट को रिकॉर्ड टाइम में अचीव करके अपनी महारत और ईमानदारी का सबूत देंगे। इससे हमारी कंपनी की इज्जत, शोहरत और वकार में इजाफा होगा। यस सर। ठीक है। थैंक यू। मेरे जैसे कितने ही लोग आज भी इस बस्ती में कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी की सड़क पर रेंग रहे हैं। लेकिन आज मैं उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जिसका मैंने ख्वाब देखा था। अपने जिस्म पर कानून की वर्दी सजा लेना बहुत आसान काम है ऑफिसर। वर्दी की हुरमत को समझना, अपने फर्ज को पहचानना बहुत मुश्किल है। सर, ये वर्दी मेरे लिए महज तन ढांपने का लिबास नहीं बल्कि कानून की वो ताकत है जिसने ना सिर्फ मेरे जिस्म बल्कि मेरी रूह को भी मजबूत कर दिया है। सर, मैं इस वर्दी का इस्तेमाल मुजलूमों को इंसाफ दिलवाने और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए करूंगा। मैं फर्ज की एक मजबूत चट्टान बनूंगा जिसे खुदगर्जी या लालच की कोई भी आंधी या तूफान हरगिज़ हटा नहीं सकेगा। सर, विश यू गुड लक। थैंक यू सर। हाँ जुल्फिकार, अंकल जबार कहाँ है? सर, वो तो ऊपर कमरे में। ओके। शबास, ये मैं क्या देख रहा हूं? हैरान हो गए ना? CSS का एग्जाम क्लियर करने के बाद मैंने पुलिस लाइन ज्वाइन कर ली थी और आपको बताया इसलिए नहीं क्योंकि मैं वर्दी में आपके सामने आकर आपको सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन मुझे तुम्हारी इस चॉइस पर अफसोस है शबास। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम करोड़ों की जायदाद के मालिक हो और मैंने तुमसे कई दफा कहा है कि दफ्तर आओ और अपना बिजनेस संभालो। नहीं अंकल, मैं ऑफिस में बैठकर पैसा कमाने वाली मशीन नहीं बनना चाहता बल्कि मैं अपनी जिंदगी को
एक मिशन के तहत गुजारना चाहता हूं। तो क्या है जनाब का मिशन? हमारे मुआशरे में कई ऐसे भेड़िए हैं जो शराफत का लिबादा ओढ़े हुए हैं। मैं उन्हें बेनकाब करना चाहता हूं। मैं उन घिनौने मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहता हूं जो दौलत के लालच में लोगों को जान से मार देते हैं, जो बच्चों को माओ से और माओ को उनके बच्चों से जुदा कर देते हैं, जो शहर के इस कानून को जंगल का कानून समझते हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कोई भी मुजरिम वक्ती तौर पर तो कानून से बच सकता है, लेकिन हमेशा कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता, नहीं झोंक सकता। I'm sorry अंकल, I'm really sorry। मैं भूल गया था कि मैं ऑफिसर के सामने नहीं बल्कि घर में अपने अंकल के सामने खड़ा हूं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इस उम्र में इंसान जज्बाती हो ही जाता है। बहरहाल हम तो तुम्हें सिर्फ समझा सकते हैं। देखो शहबाज, अंधों की इस नगरी में आईने बेचने का कोई फायदा नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बट एनीवे, तुम्हें मुबारक हो एंड यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट इन दिस यूनिफॉर्म। ओह रियली? बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। थैंक यू। तुम्हें डाकुओं से नफरत थी ना माँ, उसी नफरत को दिल में लिए तुम्हारा बेटा जवान हुआ है। आज तुम्हारे बेटे के जिस्म पर पुलिस की वर्दी और बाजुओं में कानून की ताकत है। अब कोई भी डाकू चाहे किसी भी रूप में हो, वो तुम्हारे बेटे से बच नहीं सकता माँ, नहीं बच सकता। जी फरमाइए। वो दरअसल मैं एक केस के सिलसिले में हाजिर हुआ था। बैठिए। जी क्या केस है आपका? मैडम केस दरअसल चोरी का है। वो क्या है मैडम कि एक लड़की ने मेरा दिल चुरा लिया और अब उसके पास मुझे मिलने का टाइम तक नहीं। सॉरी मिस्टर, मैं आपका केस नहीं ले सकती। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं ऑलरेडी लड़की की तरफ से आपके खिलाफ केस लड़ रही हूँ। ओह, तो यानी कि उस लड़की को भी मुझसे शिकायत है? जी बिल्कुल सेम शिकायत है, बल्कि वो तो आपसे बात तक करना नहीं चाहती। अरे मोहतरमा, उस नादान लड़की को ये समझाइए कि मैं दरअसल पुलिस ट्रेनिंग पर गया था और आते ही मैंने एएसपी का चार्ज संभाल लिया, और अब अगर उसने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं उस पर अपने दिल के चोरी होने का केस बनाकर उसे अंदर कर दूंगा। शहबाज तुम एएसपी बन गए और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो आप भी तो अचानक मेरे सामने काला कोट पहन कर आ गई थी कि शहबाज मैं एडवोकेट बन गई हूँ। अच्छा तो ले लिया तुमने मुझसे बदला? प्यार में बदला नहीं लिया जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्यार किया जाता। देखा मम्मी, शहबाज ने मुझे बताया नहीं कि ये एएसपी बनने वाला है। आंटी इससे ये पूछे कि जब ये एडवोकेट बनी थी तो क्या इसने मुझे बताया था? हाँ तुम दोनों का तो
कॉलेज के जमाने से लड़ाई झगड़ा चलता आ रहा है, ये कौन सी नई बात है? शबाज बेटा, अल्लाह ताला तुझे तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। थैंक यू आंटी। आंटी आपने हमेशा मुझे माँ जैसा प्यार दिया है। आज अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो कितना खुश होते, कितना खुश होते। कहिए माँ जी, क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? बेटी, 20 साल हो गए मुझे अदालतों के चक्कर लगाते हुए, लेकिन इंसाफ मुझे अभी तक नहीं मिला। माँ जी, थोड़ा तफसील से बताएंगे क्या हुआ? मेरे शोहर को 20 सालों से एक बासर शख्स ने पागल करार देकर पागल खाने में कैद करवा रखा है, जिसके लिए मैं दर बदर भटक रही हूँ। माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे नाम बता सकती हैं? जब्बार खान। जब्बार खान, ये शबाज स्पीकिंग। हेलो शबाज, मैं फरीन बात कर रही हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। हाँ बोलो। अगर ऐसी बात है तो मैं कल तुम्हारे साथ खुद चलूंगा। एसपी साहब, ये है रशीद अली। रशीद अली, एसपी साहब आपसे मिलने आए हैं। क्या आप कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक जमशेद खान को जानते थे? आप जमशेद साहब को कैसे जानते हैं? वो मेरे पापा थे और मैं उनका बेटा शहबाज हूं। शाबाश बेटा, मैं तो जमशेद साहब के साथ साथ जब्बार खान को भी जानता हूं। क्या जानते हैं आप जब्बार खान के बारे में? शाबाश बेटा, आज से 20 साल पहले मैं जमशेद कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर की हैसियत से काम करता था। वहां पर मेरे मालिक जमशेद साहब और उनका दोस्त जब्बार खान, जो कि एक जराइम पेशा शख्स था और एक बैंक डकैती में 5 साल की सजा भुगत चुका था,
वहां पर आकर सेल्स मैनेजर हो गया। शाबाश बेटा, मैंने उसकी बेईमानी और बेकायदियों के बारे में जमशेद साहब को सब कुछ बता दिया, लेकिन लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, बेटा वो एक्सीडेंट में हलाक हो गया। और जब्बार खान मालिक बन बैठा, और उसने सजा के तौर पर मुझे यहां भेज दिया। आपकी बातों से तो मुझे पापा की डेथ के बारे में भी शक हो गया है। हो सकता है हादसे के बजाय उनका मर्डर किया गया हो। अब मैं इस मामले की तह तक पहुंच कर ही थम लूंगा। इंसान और दरिंदे में बस यही एक फर्क है। कि दरिंदा खाने के बाद अपने मुंह पर लगा हुआ खून पहुंच नहीं सकता। क्या मतलब बेटा? मतलब आप मुझसे बेहतर जानते हैं अंकल। क्योंकि आप भी उसी मुआशरे में रहते हैं जहां इमारत की दीवार जितनी ऊंची होती है जुर्म की बुनियाद उतनी ही गहरी। लगता है तुम्हारे हाथ कोई ऐसा केस आ गया है जिसमें कोई मजलूम किसी जालिम के जुल्म का शिकार हुआ है। आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, बिल्कुल ठीक। ये 20 साल पुराना एक केस है जिसमें अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए एक बासर शख्स ने अपने असर रसूख की वजह से एक बेगुनाह को पागल करार देकर उसे पागल खाने भिजवा दिया था। क्या बात है अंकल, आप क्यों इतना डर गए? आपने तो ये सब कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, एक्चुअली वो मैं डरा नहीं, मैं एक्चुअली इसलिए डर गया कि कहीं वो जालिम दरिंदा तुम्हें भी नुकसान ना पहुंचाए। अपनी जिंदगी के पहले केस में ही अगर मैं डर गया अंकल, तो फिर सारी जिंदगी डरता ही रहूंगा, कभी कुछ कर नहीं पाऊंगा। बेटा, इंसान को जिंदगी में जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। मैं भी अपनी सारी जिंदगी होश से काम लेकर इस मकाम तक पहुंचाऊं। लेकिन एक बात याद रखें अंकल, जुल्म फिर जुल्म है।
बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। क्या बात है अंकल, आप क्यों इतना डर गए? आपने तो ये सब कुछ नहीं किया। अपनी जिंदगी के पहले केस में ही अगर मैं डर गया अंकल, तो फिर सारी जिंदगी डरता ही रहूंगा, कभी कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखें अंकल, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये क्या हिमाकत कर रहे थे जब्बार खान? अगर तुमने उसे मार दिया तो ये सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे पास कैसे आएगी? ऑर्डर 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 योर ऑनर, किसी होशमंद शख्स को पागल करार देकर मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा देना इंसानी दरिंदगी की ऐसी मिसाल है योर ऑनर, जिससे इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। कानून के पास कोई ऐसी इलामी ताकत मौजूद नहीं होती जिससे ये साबित हो सके कि सच क्या है और झूठ क्या है, लिहाजा मेरी फादर साथी को चाहिए कि वह जज्बाती गुफ्तगू की बजाय ठोस सबूत और गवाहों को पेश करें। ये रहा मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के बोर्ड का सर्टिफिकेट, जिससे ये साबित होता है कि रशीद अली पागल नहीं है बल्कि एक होशमंद शख्स है। पेश किए गए गवाहों और बोर्ड्स ऑफ डॉक्टर के सर्टिफिकेट के बाद इस बात की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि रशीद अली वल्द नज़ीर अली अब एक होशमंद शख्स है, लिहाजा अदालत इसे फौरी तौर पर मेंटल हॉस्पिटल से रिलीज करने के अहकाम जारी करती है। माजी ऐसा करें, आप घर चलें, हम रशीद अली को लेकर पहुंचते हैं। चलिए मुख्तरमा। डॉक्टर साहब, ये अदालत के ऑर्डर्स हैं रशीद अली के लिए, आप चेक कर लें। ठीक है, आप रशीद अली को ले जा सकती हैं। थैंक यू। आइए मेरे साथ। डॉक्टर
मुबारक हो रशीद अली, आपकी रिहाई के ऑर्डर्स मिल गए हैं और हम आपको लेने के लिए आए हैं। शबाज ये बोलते क्यों नहीं? रशीद अली, रशीद अली, रशीद अली, वेल डन कासिम, वेल डन। आज तुमने रशीद अली को खत्म करके एक बार फिर अपनी वफादारी का हक अदा कर दिया है। मैं तो काफी अरसे से ये हक अदा कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ही हक तुम भी अदा कर दो। क्या मतलब? मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन ये अचानक इतनी बड़ी रकम तुम क्यों मांग रहे हो? इसलिए कि जिस दौलत पर तुम सांप बनकर कुंडली मारे बैठे हो वो बहुत जल्द तुम्हारे हाथों से निकलने वाली है। वो कैसे? शहबाज बहुत पहले तुमसे पूरी जायदाद कानूनी तौर पर वापस ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वो तुम्हें अपने बाप का दोस्त, अपनी माँ का भाई और अपना अंकल समझता है। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। वो किसी वक्त भी तुम्हें अपने बाप की कुर्सी से उठा सकता है और तुम्हारे हाथों में कानून की हथकड़ी भी पहना सकता है। कासिम, जहाज जब डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे उसका साथ छोड़कर भागने लगते हैं। एक बात याद रखना जब्बार खान, जिस जहाज का साथ चूहे भी छोड़ जाएं, वो यकीनन डूबकर ही रहता है। खैर, मेरा जहाज डूबे या ना डूबे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तुम्हें 2 करोड़ मिल जाएगा। थैंक यू जब्बार। यू वेलकम। तुम शायद शहबाज की वर्दी से डर गए हो, मगर ये भूल रहे हो कि मेरा नाम भी जब्बार खान है। मैंने सारी जिंदगी कानून को अपनी हथेली पर नचाया है। 2 करोड़। ओके। अंकल, आप? हेलो शबाज, कैसे हो? हाँ शबाज, मैंने सुना है कि वो तुम्हारी दोस्त है ना फरहीन, उसने केस जीत लिया है और तुम दोनों ने मिलके उस शख्स को मेंटल हॉस्पिटल से रिहा करवा लिया है। वो क्या नाम है उसका यार? वो रशीद अली। ओह राइट, यू रशीद अली, कैसा है वो? रशीद अली तक पहुंचने से पहले ही उस बासर शख्स ने रशीद अली का मर्डर करवा दिया है। ओह वेरी सैड।
इसका मतलब ये है कि वो बासर शख्स बहुत जालिम है। अच्छा ये हॉस्पिटल वाले क्या कहते हैं? हॉस्पिटल वाले तो उसे खुदकुशी का केस ही करार दे रहे हैं। अच्छा तो शहबाज मेरा ख्याल है अगर हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं तो हो सकता है उसने खुदकुशी की। हॉस्पिटल वाले चाहे कुछ भी कहें अंकल, लेकिन मैं जानता हूं कि रशीद अली ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका मर्डर किया गया है। देखो शहबाज, मैं तुम्हें एक बार फिर समझाना चाहता हूं। एक दफा मैं अपने दोस्त को खो चुका हूं, दूसरी दफा अपनी बहन को, और अब तीसरी दफा मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। खोया तुमने नहीं जब्बार खान, खोया तो मैंने है। अपने प्यार करने वाले पापा और खुद पर सौ जान से निसार होने वाली मामा को। तुमने तो फकत पाया है जब्बार खान, फकत पाया है मेरे पापा का बिजनेस, उनका बैंक बैलेंस, नौकर चाकर कोठियां सब ऐशो आराम। लेकिन अब मैं बहुत जल्द तुमसे ये सब ऐशो आराम छीन कर तुम्हें उसी जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दूंगा जहां से तुम 20 साल पहले रिहा होकर निकले थे जब्बार खान। And I mean this. जी मम्मी, कहाँ जा रही हो बेटा? मम्मी वो शहबाज के साथ। देखो बेटा, कब तक तुम दोनों इस तरह मिलते जुलते रहोगे? मैं चाहती हूँ कि अब तुम दोनों की शादी हो जाए। तुम खुद बात करोगी या मैं बात करूँ? मम्मी मैं बात कर लूँगी। ठीक है बेटा, जाओ। बाय मम्मी। बाय। ठीक नहीं था तो मुझसे मिलने क्यों आए? ऐसी कोई बात नहीं। बात तो है लेकिन तुम छुपा रहे हो। और शायद आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं। लेकिन तुम्हारे तो मूड ही नहीं मिल रहे। मेरे मूड की छोड़, बताओ क्या बात है? बताओ परीन, बताओ। देखो मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है और इसे और खराब मत करो। ओके, नहीं बताना, नहीं बताना। Doo 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 doo.
मुझसे न दूर जा। सुन सुन ले पिया मेरे दिल की सदा, सुन सुन ले पिया मेरे दिल की सदा। ये है एडवोकेट फरीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आइए मैं आपको रशीद अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाऊं। आइए। ये है रशीद अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रिपोर्ट के मुताबिक रशीद अली की मौत गला दबाने से वाकई हुई और जितनी ताकत से गला दबाया गया है उतनी ताकत से कोई शख्स अपना गला खुद नहीं दबा सकता। तो रिपोर्ट से यह साबित हुआ कि रशीद अली ने खुदकुशी नहीं बल्कि उसको कत्ल किया गया है। यस, मगर एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन? हाँ, वो ये कि रशीद अली एक पागल शख्स था। अब एक पागल शख्स जुनून की हालत में अपना गला दबा सकता है कि नहीं, ये किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि रशीद अली पागल नहीं था। उसकी मौत से कुछ देर पहले अदालत उसे होशमंद करार दे चुकी है और वैसे भी मेरे पास डॉक्टर्स के बोर्ड का सर्टिफिकेट मौजूद है। अब हमें रशीद अली के कातिल तक पहुंचना होगा। थैंक यू डॉक्टर। इतने पुराने अखबार की आपको जरूरत कैसे पड़ गई एएसपी साहब? एडिटर साहब, उस अखबार में मेरे वालिद साहब के कार एक्सीडेंट के बारे में खबर छपी है और मुझे उस कार एक्सीडेंट के बारे में कुछ मजीद तफसीलात चाहिए। लगता है आपको इस हादसे के बारे में कोई शक पैदा हो गया है। जी एडिटर साहब, बात कुछ ऐसी ही है। बहरहाल अगर ये बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप बेफिक्र हैं जनाब, इस सीने में न जाने कितने राज दफन हैं।
ये लें आपका मतलूबा अखबार मिल गया। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। सर, ये है वो फाइल जिसकी आपको तलाश है। ये वो फाइल है फरीन, जो रशीद अली ने मेरे पापा को दी थी और जिसमें उसकी 6 माह की बेईमानियों का रिकॉर्ड मौजूद है और उसके बाद से आज तक उसका तमाम तर रिकॉर्ड ताकदार है। इसका मतलब है अब वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। अब मुझे सिर्फ उस ट्रक ड्राइवर की तलाश है जिसके ट्रक से मेरी पापा का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन वो कैसे मिलेगा? बहुत जल्द मेरे आदमी उसकी तलाश कर रहे हैं। फारूकी साहब, मैं और फरीन यहां आए थे और ये बात तुम हमारे यहां से जाते ही भूल जाओ। ऐसे ही होगा सर। रकम का इंतजाम हो गया जब्बार खान? हाँ बताओ, रकम कहाँ लेकर आऊँ? उसी जगह जहां 20 साल पहले जमशेद के मर्डर के 10 लाख दिए थे। इसी बहाने कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। ठीक है, मैं 1 घंटे बाद रकम लेकर वहीं पहुंच रहा हूं। ओके ओके। आज पहली बार किसी ने शेर के मुंह से निवाला छीना है। ये तुम्हारी सोच है कासिम, वरना मैं समझता हूं तुम मेरे दोस्त हो और इस रकम पे तुम्हारा हक है। लो इसे गिन लो। तुम तो जानते हो जब्बार खान कि कासिम रकम कभी गिनकर नहीं लेता। क्योंकि मौत के सिवा कोई उसे धोखा नहीं दे सकता। ये क्या जब्बार खान? कासिम, तुम खुद ही तो कहते हो कि मौत के सिवा तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। तो समझ लो कि आज मौत ने तुम्हें धोखा दे दिया है।
और तुम ये भी कहते हो कि तुमने रकम कभी गिन कर नहीं ली, लेकिन आज मैं तुम्हें गोलियां गिन कर मारूंगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, मैं गलत कहता था कि मौत मुझे धोखा दे सकती है। मेरा नाम कासिम है जब्बार खान, कासिम। मैं मौत को भी धोखा दे सकता हूं, मौत को भी। जितनी गोलियां तुमने मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट पर मारी हैं जब्बार खान, उतनी गोलियां अब मैं तुम्हारे सीने में मारूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा जब्बार खान, तैयार हो जा। खुदा का शुक्र है बेटा कि तुम वक्त पर आ गए हो, वरना ये प्रोफेशनल किलर मेरा मर्डर कर चुका होता। आपका खून इतना सस्ता नहीं कि एक प्रोफेशनल किलर के हाथों बह जाए। मुझे खुद भी इसकी तलाश थी, क्योंकि इसी के जरिए उस बासर शख्स ने रशीद अली का मर्डर करवाया था। आपको सुनकर शायद ये भी बहुत हैरत होगी कि मेरे बाप का कातिल और मेरी माँ की डेथ का बाइस भी वही दरिंदा है। अगर तुम इसके बारे में इतना कुछ जानते हो तो तुमने इससे बदला क्यों नहीं लिया? अगर बदला लेना होता तो अभी इसी वक्त ले लेता, लेकिन मेरे जिस पर कानून की वर्दी है, मैं इसे एक मुजरिम की हैसियत से कानून के कटहरे में ले जाऊंगा और फिर इसे जेल की काल कोठरी से निकालकर फांसी के फंदे तक जाते हुए देखूंगा और फिर उसकी मौत की खबर अखबार में पढ़ूंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने मेरे बाप की मौत की खबर अखबार में पढ़ी थी, बिल्कुल उसी तरह। परीन उसे अदालत में मुजरिम साबित करने की पूरी तैयारी कर चुकी है अंकल, उसे बस सिर्फ इस आखिरी सबूत की जरूरत थी। Ah!
अब भी अगर तुम अपने जुर्म से इनकार करोगे तो इस टॉर्चर सेल में तुम्हारी हड्डियों को सुबून देने का सारा इंतजाम मौजूद है। इसकी कोई जरूरत नहीं है एएसपी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, इसलिए कि अब जब्बार खान से वफादारी का मेरा कोई इरादा नहीं। शून्य से शुरू हो जाओ। कैसे आना हुआ? मेरा करीबी साथी कासिम कानून की गिरफ्त में आ चुका है और मुझे पता चला है कि तुम मेरे खिलाफ भी सबूत इकट्ठा कर रही हो ताकि अदालत में मुझे मुजरिम साबित कर सको। जी, इत्तेफाक से ये नेकी मेरे हिस्से में आई है। आज के जमाने में नेकी पे ईमान तो सभी रखते हैं लेकिन अमल कोई नहीं करता। तुम क्यों खामखा इंसाफ का यह परचम बुलंद कर रही हो? तुम्हें पता है इसके बदले शहादत के सिवा और कुछ नहीं मिलता। अगर अदालत में तुम मुझे मुजरिम की बजाय बेगुनाह साबित कर दो तो मैं तुम्हें नोटों से भरा हुआ यह ब्रीफ केस दूंगा। इसे तुम्हें सिर्फ एक बार उठाना पड़ेगा, फिर जिंदगी भर यह तुम्हारा बोझ उठाएगा। आप मेरी बजाय अपने बोझ की फिक्र करें मिस्टर जब्बार, जिसको उठाने के लिए फांसी का फंदा तैयार हो चुका है। शायद तुम मुझे नहीं जानती हो लड़की, आज मैं जिस बुलंदी पे हूं उसकी हर सीढ़ी किसी ना किसी के खून से रंगी हुई है। मैंने अपनी उस खोई हुई दौलत को हासिल करने के लिए बेशुमार खून करवाए हैं लेकिन आज मैं पहली बार अपने हाथों से तुम्हारा खून करूंगा। सोच लो, अब भी वक्त है। अगर तुम इस दौलत को ठुकराओगी तो मेरे पिस्तौल से निकलने वाली एक ही गोली तुम्हें तुम्हारी कब्र तक पहुंचा देगी। एक गोली अपनी बीवी के लिए भी बचा के रख लेना जब्बार खान, कहीं सारी की सारी गोलियां बेटी के सीने में मत उतारना।
आ गए आप। खाना लाओ। रहने दो खाना, मैं होटल से खा के आया हूँ। होटल से खाने की जरूरत क्या थी फरीदा? आखिर मैं भी इंसान हूं, सारी जिंदगी तुम्हारी पकाई हुई दालें नहीं खा सकता। ये लो पैसे, घर के खर्चे के लिए रख लो। ये इतने पैसे आपके पास आए कहां से? मेरा मतलब है कि आपको तो कोई काम धंधा भी नहीं चल रहा। एक काम धंधा मैं तुम्हें बताकर करूंगा क्या है? तुम्हें घर के खर्चे के लिए पैसे चाहिए थे, मैंने तुम्हें दे दिए। मैंने तो इतना ही पूछा है कि ये पैसे कहां से आए। फरीदा, पुलिस की तरह मुझ पे जरा मत किया करो। खुदा के लिए इस गुनाह भरी जिंदगी से वापस आ जाओ। ये देखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन हकीकत में बहुत बुरी होती है। मुझे समझाना चाह रही हो है? मुझे लेक्चर देना चाह रही हो? कान खोल कर सुन लो, जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं करूंगा, समझ गई तुम? नहीं, खुदा के लिए ना जाओ उस जुर्म की दुनिया में। फरीदा, तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे कामों में टांग अड़ाने का है? तो फिर सुन लो अच्छी तरीके से, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने भी नहीं आऊंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। और वह फलसफा बोलती रहती, जीना आराम करते रहती। खुदा के लिए उस रास्ते पे मत जाओ जिसकी मंजिल सिर्फ जेल है। फरीदा, तुम जिंदा हो। लेकिन तुमने तो मुझे जेल में खत भेजा था कि तुम खुदकुशी कर रही हो। अगर मर ही जाती तो अच्छा होता, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जिंदा रह के अच्छा नहीं किया। मैं तो जिंदगी के दुखों से निजात हासिल कर ही लेती, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाली हूं तो अपने साथ जुड़ी इस जिंदगी को खून कैसे करती। इसका मतलब है फरीन मेरी बेटी। हाँ, बदकिस्मती से, लेकिन तुम कैसे बाप हो? जब बीवी को छोड़कर गए थे तब भी एक मुजरम थे, आज बेटी को मिलने आए हो तब भी एक मुजरम हो। जब्बार खान, ना तुम अच्छे बाप हो ना तुम अच्छे शौहर थे। अगर मुंह छुपाना ही है तो कब्र के अंधेरों से बेहतर तुम्हारे लिए और कोई जगह नहीं। वरना यह सच्चाई है, इसका सामना करो। बेटा, मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बहुत गलतियां हुई। आई एम सॉरी बेटा।
मुझसे किस बात का सॉरी? आपने जो जुल्म किए, जो ज्यादतियां की मेरी माँ के साथ, हाँ अगर वो आपको माफ कर देती हैं तो मैं भी आपको माफ कर दूंगी। हमारे चेहरों पर दर्द का रिश्ता तलाश करने के बजाय अपने दिल की तन्हाई का कर्ब लेकर यहां से चले जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा, ना बीवी का ना बेटी का। जिंदगी के दोराहे पर जो रास्ता आपने चुना था उस पर चलते चलते कभी कभी इंसान तन्हा भी हो जाता है, बिल्कुल उस सूखे दरख्त की तरह जो किसी वीराने में अपनी नोकेली टहनियों के साथ तन्हा खड़ा होता है, जिसे देखकर खौफ आता है, उस पर कोई परिंदा अपना घोंसला नहीं बनाता। पर सिर्फ गिद्द आकर बैठते हैं। जब्बार खान के खिलाफ जो एविडेंस पेश की है वो उसको मुजरम साबित कर देने के लिए काफी है। मैंने उसके वारंट इशू करवा दिए हैं, वो मेरे पीए से ले लेना। अब तुम एक लम्हा जाया किए बगैर उसको हथकड़ी पहना सकते हो। सर कहीं ऐसा ना हो कि उसकी गर्दन तक मेरे हाथ पहुंचने से पहले ऊपर से ऑर्डर आ जाए और मुझे ऐसा करने से रोक दें। नो नो शहबाज खान, क्या बात करते हो, मैंने हाई अप्स में बात कर ली हुई है, अब कोई टेलीफोन कॉल तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसे बाप हो, जब बीवी को छोड़कर गए थे तब भी एक मुजरम थे, आज आज बेटी को मिलने आए हो तब भी एक मुजरम हो। आप मेरी बजाय अपने बोझ की फिक्र करें मिस्टर जब्बार, जिसको उठाने के लिए फांसी का फंदा तैयार हो चुका है। हमारे चेहरों पर दर्द का रिश्ता तलाश करने के बजाय अपने दिल की तन्हाई का कर्ब लेकर यहां से चले जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा, ना बीवी का ना बेटी का। अगर मुंह छुपाना ही है तो कब्र के अंधेरों से बेहतर तुम्हारे लिए और कोई जगह नहीं, वरना यह सच्चाई है, इसका सामना करो। जिंदगी के दोराहे पर जो रास्ता आपने चुना था उस पर चलते चलते कभी कभी इंसान तन्हा भी हो जाता है, बिल्कुल उस सूखे दरख्त की तरह जो किसी वीराने में
अपनी नोकेली टहनियों के साथ तन्हा खड़ा होता है, जिसे देखकर खौफ आता है। उस पर कोई परिंदा अपना घोंसला नहीं बनाता, उस पर सिर्फ गिद्धा कर बैठते हैं। जब्बार खान, अगर मैं तुम्हारे पास अपने बाप का खून और मां का इंतकाम बनकर आता तो अब तक तुम्हारा सीना गोलियों से छलनी कर चुका होता। लेकिन मेरे जिस पर कानून की वर्दी है और मेरा फर्ज मुझे ऐसा करने से रोक रहा है। जब्बार खान, तुम्हारे फरार के सारे रास्ते बंद कर चुका हूं मैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। गिरफ्तारी कैसी गिरफ्तारी शहबाज? मुझे तो अभी मजीद बुलंदी पे जाना है। मैं तुम्हारे पर काट चुका हूं जब्बार खान, और आज से तुम्हारा सफर बुलंदी की तरफ नहीं, पस्ती की तरफ शुरू होगा। और पस्ती की तरफ जाने के लिए परों की नहीं बल्कि सिर्फ पांव की जरूरत होती है, पांव की। शहबाज, मुझ जैसे ज़हीन इंसान को आज तक किसी ने मात नहीं दी। ना किसी इंसान ने, ना हालात ने, और ना ही तुम्हारे कानून ने मुझे मात दी है। तो सिर्फ मेरे जमीर ने। इंसान सारी जिंदगी अपने जमीर से जीत रहा होता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब जमीर इंसान से जीत जाता है, क्योंकि जमीर की आवाज दिल की आवाज होती है, और दिल में रब रहता है, और रब से कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि असल बुलंदी सिर्फ उसी के पास है, उसी के पास।
फरीदा, उस पस्ती से इस बुलंदी तक आने में मुझे 20 साल लगे हैं और शायद इस बुलंदी से उस पस्ती तक जाने में मुझे 20 सेकंड भी न लगे, सिर्फ इसलिए कि मेरा ऊपर आने का रास्ता गलत था। अगर मैं तुम्हारे कहने पर अमल करके नेकी और ईमानदारी का रास्ता अख्तियार करता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। फरीद, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बाप कह दे बेटा, सिर्फ एक बार। नहीं, मैं तुम जैसे बेसमीर शख्स को बाप नहीं कह सकती, नहीं कह सकती। मेरा अंजाम देखने के बाद हो सके तो तुम तीनों मुझे माफ कर देना। अगर तुम लोग मुझे माफ कर दोगे तो शायद मेरा रब भी मुझे माफ कर दे।